नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, यह अल्ट्रा बॉलीवुड और बहुत ही स्पेशल सेगमेंट हमारा पिक्चर की कमाई या पिक्चर की पिटाई। हर हफ्ते हुई एक नई रिलीज की सॉलिड रिपोर्ट कार्ड हम आपको देते हैं और मैं इतना आपको बता दूं, एक अच्छा रिव्यू आपका टाइम और पैसा दोनों बचा सकता है। तो मकसद ये नहीं कि फिल्म का मजाक उड़ाया जाए, मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि कैसे आप अपना पैसा और टाइम बचा सकते हैं। बात करेंगे फिल्म राग देश के बारे में। बहुत अरसे के बाद एक ऐसी फिल्म आई है जिसमें एक बड़ी ईमानदार कोशिश की गई है कि INA के टाइम पे क्या था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जब आर्मी बनाई थी, आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, तब किस तरह के चैलेंजेस थे, क्या वो आर्मी रही जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके जो है भारत की आज़ादी की तरफ आ रहे हैं। एक तरफ गांधी जी का मत था कि भाई नॉन वायलेंस है और दूसरी तरफ नेताजी कह रहे थे कि नहीं, आर्मी क्रिएट करके हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज़ादी की भावना जो है इस फिल्म को देखते हुए बहुत आती है। फिल्म के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, सभी एक्टर्स ने अच्छा काम किया, तिग्मांशु धुलिया ने भी बहुत मेहनत की है। पर हुआ क्या है कि कभी कभी ना, जब आपके पास कहानी इतनी सी हो और टाइम इतना सारा हो तो क्या होता है, अब आप कहानी के सीन पे सीन बनाते जाते हैं और खींचते जाते हैं तो फिर खींचने में क्या होता है, आप भी अंगड़ाई लेने लगते हैं, है ना। वही इस फिल्म के साथ भी है, कुछ चीज़ों में बड़ी अच्छी लगती है कि कैसे गद्दारी का मुकदमा चल रहा है इन तीन नौजवान सिपाहियों पर और मर्डर का मुकदमा चल रहा है और तीनों अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, तो वो सब आपको बड़ा अच्छा लगता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़ी दबी सी रह गई हैं, आज़ाद हिंद फौज को लेकर, नेताजी की मृत्यु को लेकर, नेताजी के शहीद होने को लेकर, वो उन चीज़ों पे भी जो है थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश की गई है। पर बेसिकली आज़ाद हिंद फौज की बैकबोन क्या थी, मकसद क्या था, वो समझाने की कोशिश की गई है। पूरी तरह से फिल्म वॉर फिल्म भी नहीं है, पूरी तरह से फिल्म कोर्टून ड्रामा भी नहीं है, मतलब ठीक ठीक है। लेकिन वो लोग जो हटके सिनेमा को सल्यूट करते हैं, जो कहते हैं कि जो भी आदमी मसाला फिल्मों को छोड़कर कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, वो इस फिल्म को ज़रूर देखेंगे और पसंद भी आएगी उन्हें। हाँ, वो हो सके थोड़ी बुराई भी करें, लेकिन हाँ, आप इस फिल्म को उस लिहाज से, उस नज़र से एक मौका ज़रूर दे सकते हैं, खासतौर पर इसके डायलॉग्स के लिए। बाकी कैसा लगता है आपको हमारा स्पेशल सेगमेंट पिक्चर की कमाई या पिक्चर की पिटाई, ये आप हमें ज़रूर बताएं। आपको जितना डांटना डांटें, जितना सुधारना सुधारें, जितनी तारीफ करनी उतनी तारीफ करें, मतलब जैसे दिल खोल के हम लोग आपके सामने रिव्यूज़ रखते हैं उतना ही दिल खोल के आप भी अपने रिव्यूज़ रखें, और यही तो फिर बात रहेगी ना ट्रांसपेरेंसी की। तो सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और याद रखें कि अच्छा रिव्यू आपका टाइम और पैसा दोनों बचा सकता है।